सरकार के खेल युवा कल्याण मंत्री ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि अखिलेश यादव इसलिए परेशान है कि उनके सरकार के समय जितनी जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया था वो सब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं लोग थे, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। बता दें, हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा था कि भाजपा के लोग सबसे बड़े भूमाफिया हैं। इसलिए देखिए, खिलाड़ी तो एक तरह से कहा जाए कि जब खेलता है वो अनुमान की तरह ही खेलता है। उनके अंदर तो हर समय जो है वो विराजमान रहते हैं खिलाड़ी। तो खेलों में भी हनुमान चालीसा होगा क्या सर 2024 के खेला में खेला होगा क्या? 2024 में देश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तिबारा देश के सुशील प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। अखिलेश यादव का एक बयान आया है कि बीजेपी के सभी नेता भूमाफिया हैं। अब ये अखिलेश यादव इसलिए परेशान है कि उनके जितने सरकार के समय जितने जमीनों पर कब्जा किया था जिन भूमाफियाओं ने, वो सब कहीं न कहीं से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। वो तरह तरह की बातें करते हैं। उनका अगर बयान देखेंगे तो उनका हास्यास्पद बयान रहता है हर समय बयान। जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम को दोषी देते हैं कि ईवीएम गलत है, और इसके बाद कहेंगे बैलेट से चुनाव क्या होना चाहिए, बैलेट से भी चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं प्रशासन दोषी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको बताना भी चाहता हूँ कि 2012 से 17 तक वो मुख्यमंत्री रहे, उनके मुख्यमंत्री रहते 2014 में चुनाव हुआ। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 73 सीटें लोकसभा में जीती, उनके मुख्यमंत्री रहते विधानसभा का चुनाव 2017 में हुआ, तब भी हम गठबंधन के साथ 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गए। उनके मुख्यमंत्री रहते जिस प्रशासन को दुहाई देते हैं आज, वो प्रशासन उनके हाथ में था, सारी चीज़ें उनके हाथ में थी। और नगर पालिका नगर पंचायतों में आपने चुनाव देखा कि बैलेट से चुनाव हुए, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी।